अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आप स्क्रीन पे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस शर्मनाक घटना की है जो आज वसई में घटित हुई। दरअसल वसई में नवंबर 2018 में एक एफआईआर दर्ज होती है। उस एफआईआर में एफआईआर दर्ज करवाने वाला फरियादी जो है माइकल जॉन प्रधान, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई, उस फरियादी के साथ आज मारपीट हुई है। और मारपीट नहीं बल्कि जानलेवा हमला हुआ। आप सभी जानते हैं कि 2018 नवंबर 2018 की जो एफआईआर है उसमें 46 आरोपी, जिसमें महानगर पालिका अधिकारी, तहसील कर्मी, भूमि अभिलेख के अधिकारी, उनके साथ वकील, कुछ वकील लोग, इस तरह से 46 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया था। वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उसके बावजूद फरियादी के साथ मारपीट बल्कि जानलेवा हमला होता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें जो है वो आज की घटना की है जो माइकल प्रधान के साथ आज घटित हुई है। दरअसल कोर्ट में मामला चलने के बावजूद भी जो इस मामले की विवादित जमीन है उस पर अभी भी पेड़ों की कटाई जारी है और कंस्ट्रक्शंस, नए इलीगल कंस्ट्रक्शंस शुरू है। जाहिर सी बात है, माइकल प्रधान का यह दावा है कि यह जमीन सर्वे नंबर 155 सांडोर की इनके अपनी मिल्कियत की है। इस जमीन का जब तक न्यायालय से कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में माइकल प्रधान के ऊपर इस तरह से हमला शर्मनाक घटना है। और इतना ही नहीं है, माइकल प्रधान को यह आभास था कि इस तरह की घटनाएं हो सकती है, इसलिए माइकल प्रधान ने पहले ही पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की हुई है, लेकिन पुलिस ने माइकल प्रधान को प्रोटेक्शन नहीं दिया, जिसका नतीजा आज ये हुआ कि माइकल प्रधान को मारा गया और इतने हद तक मारा गया कि खून तक निकल आया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक बार फिर बता दें कि माइकल प्रधान इस विवादित जमीन पर हो रहे पेड़ों की कटाई और इलीगल कंस्ट्रक्शन का फोटोग्राफ अपने मोबाइल में उतारने लगे। उस समय वहां पर मौजूद कुछ लोगों के झुंड ने माइकल प्रधान को घेरते हुए उनके साथ मारपीट की, उनका मोबाइल छीन लिया, सभी फोटो डिलीट करे। तब भी ये एक फोटो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक फोटो बचा जो इस बात का सबूत है कि माइकल प्रधान के साथ ऐसी घटना, शर्मनाक घटना घटित हुई। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर ये सवालिया निशान है कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है। एक फरियादी को अगर पुलिस सुरक्षा नहीं मुहैया करवा सकती है तो ऐसी पुलिस से आम आदमी, दूसरे लोग क्या उम्मीद करें। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और भी नई नई अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।